ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको पता लग जाए कि आपके अच्छे दिन और सब कुछ अच्छा होने से पहले आपको कुछ संकेत मिलते हैं, अगर इन संकेतों को आप सही तरीके से यूटिलाइज़ कर लेंगे, इन संकेतों को समझकर आप सही तरीके से जीवन में आगे बढ़ लेंगे, तो जो वर्तमान में चलने वाली जितनी सारी परेशानियां हैं आप उनसे बाहर आ सकते हैं। पारिवारिक विवाद हैं, पति पत्नी के बीच तनाव है, झगड़ा है, या किसी प्रकार से संपत्ति का विवाद है, या कोई ऐसे लीगलाइज मैटर या व्यापारिक आर्थिक किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या से आप वर्तमान में जूझ रहे हैं, तो इन संकेतों को समझ लें, इन बातों को समझ लें और अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि इन संकेतों को आप समझ लो। अगर ये संकेत आपको नहीं मिल रहे तो मैं उपाय भी बताऊँगा जिन उपायों के माध्यम से आप इन्हें सकारात्मक वे में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें और आपकी कोई भी परेशानी हो, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान बताएं, व्हाट्सएप पर आप अपॉइंटमेंट लेकर बात करें, आपकी समस्या का समाधान यही मिलेगा, आपको एक सकारात्मक वे मिलेगा और इसका फीस लागू है। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि अगर आपके घर में, घर के छत के ऊपर या घर के दरवाजे पर, घर पर कबूतर, सफ़ेद कबूतर आकर बैठता है, रोज़ रेगुलर बैठना नहीं, कभी 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 दिखाया आपको, तो ये पहला संकेत है कि आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में एक सकारात्मक और जीवन में पॉजिटिविटी आने वाली है। दूसरा संकेत होता है सपने में मंदिर देखना। अगर आपके सपने में मंदिर दिखते हैं, कोई पुराना मंदिर दिख रहा है, तो ये भी संकेत है कि जीवन में जो है हम एक सकारात्मक वे में जाएंगे। तीसरा संकेत होता है कि स्वाभाविक रूप से हमें अंदर से ही बड़ा पॉजिटिव फील होना। जब हम अंदर से सकारात्मक फील करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि चीज़ें जो हैं आगे सकारात्मक में पॉजिटिव चीज़ों में जाइए। चौथी बात है हल्की हल्की खुशबू। अगर ऐसी खुशबू जो हमने कभी हमें महसूस नहीं की, ऐसी खुशबू महसूस हम कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है जीवन में एक सकारात्मक बदलाव के लिए। मान लीजिए ये सब चीज़ें आपको संकेतित नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आपका जीवन जो अच्छे सकारात्मक वे में जाए, हमारे दिन सुधरे, हम बहुत जल्दी अच्छे हों, हम भी तमाम लोगों की तरह धन हो, घर हो, मकान हो, व्यापार अच्छा चले, सब चीज़ें हो, तो पहली चीज़ है अपने गुरु मंत्र का जाप करना शुरू करें। कोई गुरु मंत्र नहीं है तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। दूसरा है नशा छोड़े। अगर आप नशा करते हैं तो नशा जीवन का नाश है, उसे छोड़ें। और तीसरी और मुख्य बात है कि अपनी जो चीज़ें जीवन में घटित हुई है उनसे अनुभव लें। बजरंग बाण पढ़े, रामायण पढ़े, गीता पढ़े, रेगुलर इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इससे दोस्तों आपको बहुत फायदा होगा आपके इन हालातों से बाहर आने में। राम बाण जड़ी बूटियां है, ये शब्द की औषधियां है। अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।